हेलो फ्रेंड, टेक विद मनीष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार चंद्रा और आज का टॉपिक है पीएफ कैपेसिटर। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास एक पीएफ कैपेसिटर है जो कि यह एसी सप्लाई के पैनल में लगता है, न्यूट्रल और फेस, जिसको हम लोग लाइफ वायर बोलते हैं। तो पीसीबी सर्किट में लगने वाला एक कंपोनेंट है पीएफ कैपेसिटर। यह न्यूट्रल और फेस के पैरेलल में लगता है। तो मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा और पीसीबी सर्किट में कैसे लगता है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले वैल्यू के बारे में समझ लेते हैं, कैसे कैसे वैल्यू लिखा होता है। ये हमारा कैपेसिटर 250 वोल्ट एसी लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और जो ऊपर में लिखा है वो कंपनी का नाम से लिखा होगा। आप बैक साइड से देखते हैं तो ये हमारा ओकाया कंपनी का पीएफ कैपेसिटर है और RE104 0.1 माइक्रोफराइड के टोरेंट्स होता है। 5% 10% आगे पीछे वैल्यू हो सकता है और 275 वोल्ट एसी लिखा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इस कैपेसिटर को हम कैसे भी लगा सकते हैं, सीधा भी लगा सकते हैं और उल्टा भी लगा सकते हैं, क्योंकि यह कैपेसिटर एसी लाइन में लगता है। एसी लाइन में पैरेलल लगता है न्यूट्रल और फेस और न्यूट्रल, ठीक है। इसमें प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है। और जनरली जो पीएफ कैपेसिटर का वैल्यू होता है 104 और 104 इसका वैल्यू है कैपेसिटर का। जैसे कि इसको माइक्रोफराइड में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 माइक्रोफराइड बन जाता है। मैंने एक खराब पीसीबी सर्किट से इसको निकाला है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं CX1 यहीं पर पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ था। ये हमारा 5 वोल्ट का ये पावर सप्लाई है जहां से न्यूट्रल और फेस का लाइन देते हैं पैरेलल में, वहीं पर ये कैपेसिटर लगा हुआ था। ये भी हमारा एक पीएफ कैपेसिटर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये हमारा जो येलो कलर का दिख रहा होगा, ये भी हमारा सेम टू सेम पीएफ कैपेसिटर है जहाँ C1 से मेंशन है। इसका वैल्यू को देखते हैं, 0.01 माइक्रोफराइड के 275 वोल्ट एसी। और 250 वोल्ट एसी, ठीक है, इस तरह कैपेसिटर में मेंशन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यह कैपेसिटर न्यूट्रल और लाइफ, एक पॉइंट हमारा न्यूट्रल है और फेस दोनों का पैरेलल में यह कंपोनेंट लगता है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से न्यूट्रल लाइन से डायरेक्ट ये कनेक्ट है, उसके बाद फेस वायर से एक फ्यूज कनेक्ट है, उसके बाद यहाँ से एक कॉमन मोड कॉइल कनेक्ट है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और कॉमन मोड कॉइल के
दूसरे लेग से एक पीएफ कैपेसिटर लगाए पैरेलल में, और ये हमारा डीटे सेटअप बॉक्स का पावर सप्लाई है। और मेरे पास दो पीसीबी सर्किट है, मैं आपको इसका भी वैल्यू बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें प्रिंट नहीं हुआ है, कंपनी वालों किसको प्रिंट नहीं किए हैं, देख सकते हैं आप, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये भी सेम वैल्यू का लगता है 0.1 माइक्रोफराइड 250 वोल्ट एसी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास और एक पीसीबी सर्किट था, उसमें भी एक पीएफ कैपेसिटर लगा था जिसका वैल्यू आप देख सकते हैं 0.1 माइक्रोफराइड के 275 वोल्ट एसी MKPX2, ये हमारा इसका कोड लिखा हुआ है। इसी प्रकार 250 वोल्ट एसी नीचे में लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ये भी कैपेसिटर न्यूट्रल और फेस लाइन के पैरेलल में लगते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा दो पॉइंट है एसी के, जहां से 220 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं। लाइव वायर से एक फ्यूज कनेक्ट है यहां से यहां तक, और ये न्यूट्रल लाइन है जो डायरेक्ट जाके ब्रिज रेक्टिफायर के दो पॉइंट में कनेक्ट होते हैं, एसी के पॉइंट में न्यूट्रल और फेस, ये डायरेक्ट कनेक्ट है। यहाँ पर कैपेसिटर लगा है पीएफ कैपेसिटर, अब यह फ्यूज के साथ ये कनेक्ट है जो लाइव वायर है, दोनों के पैरेलल में कैपेसिटर लगा है। इसको आप उल्टा भी लगा सकते हैं, सीधा भी लगा सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।